उठो। कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? चलो मेरे साथ। छोड़ी मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। तुम्हारी और मेरी आज ही शादी होगी, हम निकाह करेंगे, चलो। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें, किसी को भी बुला लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चलो। आशीष, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसका हाथ। स्टॉल, क्या हो रहा है यहाँ पर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? छोड़ो उसे। अरे अरे छोड़ो राशिद, इसे क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी अमल। अमल, खबरदार, खबरदार, तुमने नहीं करी मानने की कोशिश की तो अमल मैं खुद को मार दूंगी। अमल, अमल, ये क्या कर रही हो तुम? अमल, ये क्या बेवकूफी है? पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। आप सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया। मैं मर जाऊंगी अब। अमल, खुदा के लिए छुरी मुझे दे दो। खुदा के लिए अमल, मत करो ऐसा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा। बस कर दो, छोड़ो मुझे, बस कर दो। अरे ये लड़की अगर मर गई ना तो हम सारे जेल में चक्की पीसेंगे। होश में आओ। कोई मेरे करीब नहीं आएगा। भाई साहब, ये बेवकूफ बना रही हमें, ये अपने आप को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राशिद रुक जाओ, रुबाब इसे कमरे में लेकर जाओ, बाहर गई तो तमाशा बनेगा। जी जी मैं लेकर जाती हूँ। मेरे करीब आने की कोशिश की तो पापा जी का तुम्हें भी चलाएगा लोगी। अब मैं खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे करीब नहीं आएगा, मैं जा रही हूँ। मेरे साथ नहीं, मैं अरे भाई साहब, आप समझ लीजिए, मैं प्यार करता हूँ उससे, आपने उसे भगा दिया। छोड़े, मैंने कहा नहीं, जाने दो। राशिद, राशिद, कौन? मामा मैं। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? भैया अब आप यहाँ आई हैं तो हमारे साथ ही रहेंगे ना, हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना अब आप। अमल, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ मामा, सब ठीक है। राफे, आप ही के लिए पानी लेकर आओ, भाग के जाओ। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं पीना मामा। आप वो बाहर रक्षा वाला खड़ा है, उसको 300 रुपए दे दीजिएगा। मैं रूम में जाके फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है, जाओ रूम में, जाओ अंदर से मेरा पर्स लेकर आओ, रिक्शे वाले को पैसे देने हैं। जाओ बेटा। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? हेलो सोनू। अबे अमल आई हुई है, कुछ परेशान लग रही है, खैरियत तो है ना? हाँ सोनू, वो घर में ना उसने अपने ऊपर छुरी तान ली थी और कह रही थी कोई भी आगे बढ़ेगा ना तो मैं अपने आप को मार लूंगी। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, अनवार भी इतने गुस्से में है, उसने कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब बस अपने मामा के पास ही रहूंगी। आप ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि वो इस हद तक चली गई?
आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, बताइए ना। नहीं सोनू, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी, ये बात बैठ के करने वाली है, लेकिन मैं अभी आ नहीं सकती, अनवार घर पे नहीं है। मामू लोग नहीं आए अभी तक? वो नायला का फोन आया था कि आज रात वो अपने मेके में रुक रही है अम्मी के पास, सदाकत और बच्चे भी साथ हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या हो गया कि तुम बिना बताए आपा के घर से यहाँ आ गई? फोन भी नहीं है तुम्हारे पास। रेहान का फोन आया था, पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, तुम्हारा फोन भी ऑफ था। राशिद घर से बाहर लेकर जा रहा था। क्या? वो कह रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। गन भी थी उसके पास। आपा और अनवार भाई कहाँ थे? अरे इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं। मैं तो नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, अरेस्ट करवाऊंगी। मामा इसीलिए मैं वहां से आ गई, मेरा फोन वहीं रह गया। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप नहीं लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा है अभी तक, समझे? सोनिया आंटी की माँ। हेलो आंटी, सब ठीक? अमल कैसी है? मिस्टर, आंटी नहीं अमल बात कर रही हूँ। अमल कैसी हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम कब से है कि तुम मामा को कॉल कर करके मेरा पूछते रहते हो? वी आर गुड फ्रेंड्स, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए तुम्हारी माम से बात की। और बाय द वे तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ जा रहा है? मेरा मोबाइल पोपो के घर है, मैं मामा के पास आई हुई हूँ। अमल तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस बहुत थक गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे हजारों बरस का सफर तय कर लिया हो। मैं रुकना चाहती हूँ, ठहरना चाहती हूँ। जो दर्द मैंने महसूस किया है उसे भूलना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम देखना ये वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त हर दर्द का मरहम है। और हमें तो रियलाइज ही नहीं होता कि कैसे गुजरते वक्त के साथ हम अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। ओके मिस्टर इंटेलिजेंट,